मध्य रेलवे स्थानीय लोक अधिकार समिति के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में इस समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर का आयोजन विजय शिरोडकर ने किया था। अतिथियों ने यहां आए और लोगों का मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य बनाने के कई रास्ते लोगों को बताए। शिवसेना का जो मेन शाखा है स्थानीय लोक अधिकार समिति, वो जितने इंस्टीट्यूशन है सब में है, और इसका जो मेन काम है कि इलेक्शन में ये शिवसेना के जब कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए ये अपना खुद का राजा लेके सब जगह पूरा महाराष्ट्र पर लास्ट टाइम बाहर भी जाते हैं, इलेक्शन का काम में मदद करते हैं, प्रचार करते हैं और शिवसेना का कैंडिडेट चुन के लाने में मदद करते हैं। इसीलिए उद्धव जी ने ये टाइम मुझे स्पेशली ये स्थानीय लोकाधिकार समिति का सबसे मिल के उनको एक्टिवेट करने के लिए कहा, और उसी लिए मैं सब इंस्टीट्यूशन में जाके सभा चालू की, इनकी भी सभा हुई, तभी ये आज इनका शिविर संपन्न हुआ। शिविर इसलिए रखा गया था कि लोगों में हम संगठन लाना चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो लड़ाई हमारी है जो भूमि पुत्रों के लिए, और जो जैसे रेलवे जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर्स हैं, उस जगह में स्थानिक लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ की ज़मीन लोग अपनी देते हैं, ज़मीन देने के बाद में उनका पूरा जो परिवरिश के लिए जो उनका साधन है वो चला जाता है, और उसके बाद अगर उनको जॉब नहीं देंगे, उनको नौकरी वहाँ नहीं मिलेगी, तो वहाँ अनरेस्ट हो जाएगा, बड़े आंदोलन होने का चांस है। और ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है, गवर्नमेंट की भी जो नीतियाँ हैं वो भी यही बताती है कि स्थानिकों को हमको रोज़गार में हमें प्राधान्य देना चाहिए। हम लोग इनके लिए क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बना के बाद में हम लोग शिवसेना भवन में इनके क्लासेस लेते हैं, जहाँ बाहर से लोग आके जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आके उनको वहाँ वो पढ़ाया जाता है, और उनको एक दो महीने के क्लास भी पूरा दिन का क्लास या सैटरडे संडे ऐसे करके वहाँ क्लासेस लिए जाते हैं, और उनको उसके उस परीक्षा के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। शिवसेना भवन में इसके लिए मार्गदर्शन भी हम लोग करते हैं, और वो मार्गदर्शन का उन्होंने लाभ लेना चाहिए। हम क्लासेस रखते हैं, वो क्लासेस में आके उन लोगों ने वो क्लास अटेंड करके अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हम बुक उनके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रसारित करते हैं, वितरित करते हैं, वो उनको लेना चाहिए, और उनको इस एग्ज़ाम के लिए अपने खुद को भी तैयार करना चाहिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में बैठकर वो लोग पास होके रेलवे में वो नौकरी ले सकते हैं। आज मध्य रेलवे स्थानीय लोकाधिकार का शिविर रखने का ऐसा मकसद था कि जो सब सभासद है अपने, उनको कामगारों का जो प्रश्न है वो कैसा अपन ये करेंगे, और आगे जाके संगठन मजबूत होके उसका फ़ायदा अपना शिवसेना पक्ष के लिए कैसा होएगा, इसके लिए हमने ये शिविर रखा है। हर साल हम लोग ऐसा शिविर अरेंज करते हैं, और इससे क्या होता है कि सभासद रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है जो कि काम करने के लिए, इसके लिए हमने ये शिविर रखा है। यहाँ पर अभी मुंबई, माटुंगा, परेल, कलवा, कल्याण, भुसावल, इधर से सब ये संगठन मध्य रेलवे स्थानीय लोकाधिकार समिति का जो यूनिट्स है वो सब यूनिट्स वाले सभासद कार्यकर्ते पदाधिकारी इधर आगे ले हैं, और इनका नेतृत्व भी पहले से बापू पाटिल कर रहे हैं स्थानीय लोकाधिकार, और उमेश भी नाईक है उनके साथ में, मैं भी जोर से काम कर रहा हूँ। इस शिविर के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा और जानकारी लोगों से साझा की गई। महाराष्ट्र भूमि पुत्रों को खास ध्यान में रखकर यह शिविर लगाया गया था, ताकि जो लोग अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं वो लोग कहीं भटके नहीं। हम लोग इस शिविर में शिक्षा देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से साथ में, ये शिवसेना का अंगीकृत संगठन है जिसको लोकाधिकार समिति कहा जाता है, जिसमें यहाँ के स्थानिक भूमि पुत्रों को अपने यहाँ भर्ती बदली और बढ़ती में जो है प्राधान्य देना चाहिए, इसलिए आज यहाँ हम लोग मार्गदर्शन करने आए थे। भर्ती के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद को एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसा सक्षम बनाना चाहिए, फिजिकल टेस्ट के लिए कैसा सक्षम बनाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन आज यहाँ पे किया गया। ये 1985 से चालू है, लेकिन उसके बाद में जो बीच में काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन और भी थोड़ा पावर से चलेगा तो रेलवे के अंदर बोला, अभी जैसा इन लोग ने बैंक में जैसे रिटर्न हो रहा है, रेलवे में भी रिटर्न हो रहा है, तो रेलवे के अंदर आउट जो पटना बिहार बोलो वो साइड के ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो अपने महाराष्ट्र के लोगों को भी जॉब मिलना जरूरी है यहाँ पर, इसके लिए लोकाधिकार समिति वो ढंग से
और भी बढ़कर काम करें तो जेने करके मराठी लोगों को उसका और कामगार लोगों को फायदा होगा।